अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? वालेकुम सलाम। यस सर। स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। कहाँ तक पढ़ लिए था हमने? सर मैकेनिज्म वर्सेस वाइटलिज्म तक पढ़ लिया था और आज नेटिविज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म स्टार्ट करना है। नेटिविज्म नहीं करना था? जी सर वही पढ़ना है, नेटिविज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। नेटिविज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। अब नेटिविज्म आ गए सारे, ये ना हो बाद में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहे। कितने हो गए कैंडिडेट? चले हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली नेटिविज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म में ये कहा गया है कि किस हद तक जो एक इंसानों की सफात है, जैसे कि इंटेलिजेंस वगैरह, वो उसे विरासत में मिलती है। किस हद तक इंसानी सफात यानी कि विरासत वगैरह और यानी कि इंटेलिजेंस वगैरह विरासत में मिलती है, और किस हद तक हम इसको डिटरमाइन करते हैं एक्सपीरियंस के जरिए कि अगर एक बंदा जहीन है तो उसे जहानत कितने परसेंट जो है वो विरासत में मिली, कितने परसेंट उसने अपने एक्सपीरियंस से उसको हासिल किया। दो सवाल है। जो नेटिविस्ट वाले थे उनका ये कहना था, वो इस चीज़ पे फोकस करते थे कि विरासत का किरदार जो है वो किसी भी बंदे की जो सफात होती हैं, मुख्तलिफ सफात होती हैं, उनको बयान करने में अहम किरदार अदा करता है। विरासत जो है किसी भी बंदे की सफात के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करने में अहम किरदार अदा करती है। एम्पिरिसिस्ट वाले जो थे ये इस चीज़ पे एम्फिसाइज करते थे कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, वो ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। वो कहते थे इंटेलिजेंस विरासत ज़्यादा रोल अदा करती है, और एम्पिरिसिज्म वाले कहते थे एक्सपीरियंस ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। ये कौन है, किसका माइक कौन है, इसको बंद करें। वो वाले लोग जो समझते थे कि कुछ जो पहलू हैं इंसानी किरदार के वो इंस्टिंक्टिव है यानी कि विरासती हैं, और या इंसान की फितरत जो है वो बेस ही इन पे कर रही है या इन्हीं की वजह से स्टैंड है, तो इंसान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे कि कुछ सफात उन्होंने बता दी जो हमें विरासत में मिलती हैं, अच्छा, बुरा, अग्रेसिव, गर्गीरियस यानी कि सब्जी हो, एंड सो आर सो नेटिव, ये भी क्या है, ये नेटिव है। एम्पिरिसिस्ट जो थे वो टोटली ओपोजिट हैंड पे थे, दूसरी तरफ थे। उनका ये क्लेम था कि जितने भी इंसान हैं वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, यानी कि जिस तरह का वो एक्सपीरियंस करेंगे उस तरह की उन्हें मालूमात मिलती जाएगी। ज्यादातर ना के सारे,
साइकोलॉजिस्ट जो थे वो अब इस नतीजे पे हैं कि इंसानी किरदार पे जो है वो एक्सपीरियंस भी असर करता है और विरासत भी असर करती है। अब अगर हम फर्क करें नेटिविस्ट का एम्पिरिसिज्म के साथ, तो हम ये कह सकते हो कि इम्फिसाइज द प्लेस ऑन वन और द अदर, ये फोकस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। फर्ज करें कि एक बास्केटबॉल के जैसे सारे ही प्लेयर्स हैं या स्टेट्स हैं, हाउ मच ऑफ हर सक्सेस कम फ्रॉम इननेट, कि किस हद तक एक बास्केटबॉल प्लेयर की जो कामयाबियां हैं वो उसकी जेन्युइन होती हैं, इननेट होती हैं, यानी कि बर्थ से ही वो बना ही इस मकसद के लिए, उसने किसी से कोई महारत नहीं सीखी, किसी कोई भी उसका कोचिंग कोच नहीं है, किसी ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, वो जेनेटिकली इननेट टेंडेंसी है उसमें कि वो कामयाब है, कितनी ज़्यादा कामयाबियाँ उसने इस तरह समेटी है और किस हद तक उसने कामयाबियाँ पिछले कई सालों में कोचिस की वजह से सीखी हैं, जो कोचिज ने उसे स्किल सिखाई हैं उनको यूटिलाइज करके फिर वो कितना कामयाब हुआ। एक तो बंदा हुआ है ना जो मैच खेलने चला जाता है बगैर कोच के, कभी किसी ने सिखाया नहीं उसे, देखा और देख के बाद उसने अपनी स्किल्स को यूज करते हुए मैच खेलना शुरू कर दिया, वो है उसकी इननेट। और जो कोचेज ने अहम तरीन ट्रिक्स बताए कि अगर आप इस बॉल को इस तरह से खेलोगे, अगर इसको इस एंगल पे जाओगे, अपना फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पे काम करोगे, तो फिर उस हिसाब से रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर तो बगैर कोचिस के उसकी सक्सेस ज्यादा है, तो आप कह सकते हो नेटिविस्ट का रोल है। अगर कोचिस के साथ उसकी सक्सेस ज्यादा है, तो आप कह सकते हो एम्पिरिसिज्म वालों का रोल ज्यादा है। अब ये क्योंकि दोनों ही जो आजकल के साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें से अक्सर ना के सारे वो इस चीज को मुतफिक हो गए हैं कि जी नेटिविस्ट और एम्पिरिसिज्म दोनों का असर आता है इंसान के करतार के। अभी तक इसमें कोई मसला कोई परेशानी है तो वो पूछ लें। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो नेचर है वो इनेट होती है, जो नर्चर होती है वो एक्सपीरियंस पे बेस करती है, जिस तरह का एक्सपीरियंस हो वैसी हमारी नर्चर बन जाती है और नेचर जो है वो चेंज नहीं होती। हाँ जी, कोई है क्वेश्चन किसी का? नो सर। उसके बाद आ जाता है रैशनलिज्म वर्सेस इरैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या होता है? पता है किसी को? बोले हैं, बोले सर नहीं पता, आप बता दें। नहीं पता। आपके सीआर को पता है कि नहीं है? इधर दाऊद नो सर नहीं पता। सर रैशनलिज्म वालों का बिलीफ ये होता है कि मतलब कि वो किसी भी चीज को अगर वैलिड करना है ना, तो वो उसके लिए प्रॉपर रूल्स अप्लाई करके देते हैं कि चीज को कैसे वैलिड किया जाए, मतलब लॉजिकली किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं। आप कह रहे हैं हकीकी और गैर हकीकी, ठीक हो गया। जो रैशनलिस्टिक एक्सप्लेनेशन थी इंसानी किरदार के मुतल्लिक, उनका अक्सर जो था जोर इस चीज पे था कि वो ज्यादा लॉजिकली थे, लॉजिकल होके बंदा सोचे, सिस्टमैटिक, जैसे साइंस कितनी सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिकली काम करे, और इंटेलिजेंस जो है थ्रू द प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, और जो उसकी जहानत है वो उसके सोचने समझने के अमर से आए। परहैप्स फॉर दिस रीजन, इस वजह से जो मोस्ट ऑफ द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स हैव बीन मेड बाय फिलोसोफर्स,
इस वजह से जो ज्यादा मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन आई है वो फिलासफर्स की तरफ से आई है, क्योंकि वो रैशनलिस्टिक ट्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, और मैथ में जितनी भी यानी कि डेवलपमेंट हुई है वो फिलासफर्स की तरफ से हुई है, जैसे कि डेस्कार्ट वगैरह हो गए, लिबनिस वगैरह हो गए। रैशनलिस्ट जो होते हैं वो टेंड टू सर्च, वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसी चीज़ को तलाश करें जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो, जो कायनात के असूलों पर मबनी हो, जो कोई भी इवेंट जो है वो कायनात के असूलों पर मबनी हो इस दुनिया में, और उसको हर बंदा देख सके। जो बहुत से अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स थे वो सब के सब रैशनलिस्ट थे, एंड सम वंट सो फार एज द इक्वेट विजडम विद वर्चू। व्हेन वन नो द ट्रूथ, जब किसी को हकीकत का इलम होता है, जैसे कि सुकरात ने कहा कि वो एक्ट करता है उसके मुताबिक, जिस तरह की सूरत हाल होती है उसके मुताबिक बंदा जो है वो एक्ट करना शुरू कर देता है। जो एक अक्लमंद बंदा होता है वो अच्छा इंसान होता है, और जितना ज़्यादा आपके अंदर जज्बा होगा, ग्रीक्स ने कहा था, उतना ही आप किसी चीज़ के बारे में जानोगे, और जितना आपका जो जज्बा होगा, देर आर अदर पैशन, कुछ ऐसे भी पैशन होते हैं ऑफ कोर्स, बट दे शुड बी रैशनली कंट्रोल, जिनको हम हकीकी तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। वेस्टर्न फिलासफी और साइकोलॉजी ये काफ़ी हद तक जो है वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारी जो जहानत है ये हमारे जो जज्बात से शो करवाई जाती है, जज्बाती एक्सपीरियंस से उसके बारे में इल्म होता है और इसको बताया जा सकता है। और सब इस चीज़ पे एग्री नहीं थे, ताहम कुछ लोग ये कहते थे कि जो जहानत होती है वो एक बेहतरीन रहनुमाई करती है इंसान की सोचों की और उसके किरदार की, कि जिस तरह का बंदा हो वो वैसे ही सोचेगा, वैसा ही किरदार करेगा। ज़हीन बंदा होगा तो उसकी सोचें भी मुख्तलिफ होगी, उसका बिहेवियर भी मुख्तलिफ होगा। हिस्ट्री में बहुत से मौके ऐसे आए जब इंसान के जज्बात को अप्रिशिएट किया जा चुका था इंसानी वजूहात की बजाय, यानी कि एक तो होता है इंसान के कोई भी इंसान है उसकी रीजंस जो हैं, उसके बिहेवियर के पीछे जो भी रीज़न है उनकी बजाय उसके जो यानी कि जज्बात थे उनको अप्रिशिएट किया जाता था। दिस वाज द केस ड्यूरिंग द अर्ली क्रिश्चियन एरा, जब ईसाइयों का शुरू का दौर था उस वक्त की ये बात है। और इसके बाद आ जाता है कि जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं इंसान की फीलिंग से मुतल्लक और इंसान की रीजनिंग से मुतल्लक, ये रेफर किए जाते हैं इरेशनल, क्योंकि इन्हें कोई बंदा देख नहीं सकता, कोई बंदा महसूस नहीं कर सकता, वो एक बंदे के अपने हैं, ठीक है, वो गैर हकीकी भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट के लॉजिकली जो बात होगी, सिस्टमेटिक बात होगी और थॉट प्रोसेस के जरिए होगी, उसको हम कहते हैं ये रैशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आ गई जी सर? कोई भी एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर डेट स्ट्रेस अनकॉन्शियस डिटरमिनेंट इज आल्सो इरेशनल। अब वो कह रहा है कोई भी बयान जो इंसानी किरदार से मुतल्लक हो, जिसमें हम अनकॉन्शियस पे फोकस करें, वो भी इरेशनल होगा, क्योंकि फ्राइड कहता था अनकॉन्शियस डायनामिक्स होती है, इंसान को उसकी खबर नहीं होती और वो जो है वो हमारे किरदार पर असरअंदाज होती है। ये जो अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं जो लाशोर में पाई जाती हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर को असरअंदाज होती हैं, इसको हम इरेशनल कहते हैं। साइकोनेटिक थ्योरी फ्राइड और जोंग दोनों ने ये वाली बात की, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पलीफाई इरेशनलिज्म बिकॉज दे क्लेम डेट द ट्रू कॉजेज ऑफ बिहेवियर आर अनकॉन्शियस। इनका मानना था कि जो हकीकी वजूहत है किसी भी किरदार की वो अनकॉन्शियस है,
एंड एज सच कांट बी एक्सपीरियंस रैशनली, और आप इसको शौरी तौर पे या रैशनली हकीकी तौर पे इसका तजर्बा नहीं कर सकते। अब ये जो इन दोनों के दरमियान परेशानी थी बिटवीन कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन दैट्स अट्रैक्ट इंटरैक्ट, अब वो वाले लोग जो कि इंसान के जो रीजनिंग पर जोर देते थे उनके दरमियान, और वो वाले लोग जो इंसान के जज्बात यानी के लाशौर पे फोकस करते थे यानी स्पिरिट वगैरह पे, उनके दरमियान जो टेंशन थी इसका कॉन्सेप्ट हैज अपीयर्ड थ्रू आउट द साइकोलॉजी, आपको सारी साइकोलॉजी में नजर आएंगे, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, कॉन्शियस रीजनिंग रीजनिंग और इमोशंस वगैरह के दरमियान जो एक इख्तलाफात है वो आपको आगे नजर आता रहेगा, एंड स्टिल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन कंटेम्पररी साइकोलॉजी, जो कि अभी तक कंटेम्पररी साइकोलॉजी में भी मौजूद है। How are human related to non-human animal? एक अहम सवाल था कि आया जो इंसान है वो क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली मुख्तलिफ हैं जानवरों से, ये एक सवाल। If the difference is quantitative, अगर फ़र्क जो है वो क्वांटिटेटिव है, then at least something तो किसी हद तक can be learned, तो इसको सीखा जा सकता। अगर फर्क जो है वो क्वांटिटेटिव है तो किसी हद तक इसको सीखा जा सकता है इंसानों के मुतल्लक जानवरों का मुताला करके, यानी कि अगर हम जानवरों पे कोई स्टडी करते हैं और आपने क्वांटिटेटिव डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो फिर आप काफ़ी हद तक इंसानों के मुतल्लक जान सकते हो क्वांटिटेटिवली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो स्कूल था बिहेवियरिज्म वालों का, ये इसका जो इनसार था वो ज़्यादातर जानवरों की रिसर्च पर ही था, और इन्होंने जानवरों पर रिसर्च करके ही बहुत से प्रिंसिपल असूल मुतारफ़ कराए, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स मुतारफ़ करवाए जो कि किसी भी बिहेवियर की वजह बनती है। वो चाहे जानवरों का हो चाहे इंसानों का हो, इसलिए जो रिजल्ट निकलते हैं एनिमल रिसर्च के उसको हम कुड बी रीडली उसको हम उसका मुताला कर सकते हैं और उसको जनरलाइज कर सकते हैं ह्यूमन लेवल पे, यानी कि इंसानों की सरगर्मियों पर या इंसानों पर रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजल्ट हमें जानवरों से मिलते हैं उसका हम थोरली स्टडी करके उसको फिर इंसानों पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर सकते हैं। Representing the other extreme, अगर हम दूसरी हद की बात करें, the humanist who believe that people are qualitatively, quantitative की हमने ऊपर बात कर ली, क्वान्टिटेटिव क्लियर है आप लोगों को? जी सर क्लियर है। अब क्वालिटेटिव की बात करते हैं, जो दूसरी हद है उसको उसने नाम दिया है जी क्वालिटेटिव का। इसमें उसने बेसिकली कहा गया है अगर आपने इंसानों और जानवरों में डिफरेंट फाइंड आउट करना है तो आप देयर फॉर नथिंग इम्पोर्टेंट कि कुछ भी अहम नहीं है अबाउट अस हमारे लिए कैन बी लर्न जो हम सीख सकते हैं बाय स्टैंडिंग नॉन ह्यूमन एनिमल जो हम गैर जानदारों को का मुताला करके सीख लेते हैं वो कुछ भी हमारे लिए इतना अहम नहीं होता। ह्यूमन दे से आर द ओनली एनिमल जो इंसान हैं वो सिर्फ एनिमल्स हैं आप सिर्फ उस पर स्टडी करें दैट क्लियरली चूज देयर कोर्स ऑफ एक्शन जो ज़्यादातर ना तौर पे अपना कोई भी एक्ट जो है उसका इंतखाब करते हैं कि ये उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड आर देयर फॉर मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दे फॉर डैट एक्शन और वो अखलाकी तौर पे भी इसके खुद जिम्मेदार होते हैं। इट दस मेक सेंस टू जज ह्यूमन बिहेवियर ये इंसानों के अंदर एक सेंस पैदा करती है जजमेंट की कि आया जो वो काम कर रहे हैं बिहेवियर कर रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है। इसी तरह अगर आप जानवरों की बात करें तो जानवर जो है वो जज नहीं कर सकते तो उनका बिहेवियर या उनकी जजमेंट जो होती है वो मीनिंगलेस हो जाती है क्योंकि उन्हें पता लगता कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं।
क्योंकि उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती रीजनिंग की या इंतखाब करने की, इसलिए वो गिल्ट भी फील नहीं करते। अगर आई थिंक इट्स इनफ, यहाँ तक आप कर लें, मेन मकसद यहाँ क्लियर हो गया है, समझ आ गई है? जी सर क्लियर है। चले अभी तक जितना पढ़ा है इसको एक मरतबा रीडिंग ले। हाँ जी पढ़ लिए। आप लोगों से मुखातिब हूँ। जी सर पढ़ लें। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, जो इंसानी इल्म है उसका ओरिजिन कहाँ क्या है। द स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड द एपिस्टेमोलॉजी, आप किसी भी इल्म का मुताला जो करना है वो एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि एपिस्टीम से निकला है, जिसका मतलब होता है जानना या किसी चीज को समझना। एपिस्टेमोलॉजिस्ट जो है वो अक्सर पूछते हैं इस तरह के सवालात कि क्या हम जानते हैं, व्हाट कैन वी नो, हम क्या जान सकते हैं, व्हाट आर द लिमिट ऑफ नॉलेज, और इसकी दायराकार, इस इलम का दायराकार क्या है, एंड हाउ इज नॉलेज अटेंड, और इलम कैसे हासिल किया जाए। ये एपिस्टेमोलॉजिस्ट जो हैं वो ये सवाल पूछते हैं। Psychology has always been involved in epistemology because one of its major concern has been determining how human gain information. क्योंकि एक जो अहम इनका पहलू है जानना कि जी किस तरीके से इंसान जो है वो मालूमात को अपने मुतलक मालूमात को इकट्ठी करता है या दुनिया से मुतलक मालूमात को इकट्ठी करता है, वो किस तरीके से करता है। इस तरह साइकोलॉजी में भी एपिस्टेमोलॉजी को यूज किया जाता है। द रेडिकल एम्पिरिस्ट दैट ऑल नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, अब जो एम्पिरिसिस्ट थे इन्होंने इस चीज पे जोर दी कि जितना भी इलम है ना वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए हासिल किया जा सकता है, सेंसरी एक्सपीरियंस की सूरत में हासिल किया जाता है। विच इज समहाउ रजिस्टर्ड, जो किसी हद तक फिर हम रजिस्टर कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर उसको अपने ब्रेन के किसी हिस्से में स्टोर कर लेते हैं। जो रैशनलिस्ट थे वो इस इत्तफाक करते थे कि सेंसरी जो मालूमात होती है अक्सर इसी तरह होता है, जो मालूमात हासिल होती है वो सेंसरी होती है लेकिन ज्यादातर नहीं भी होती, हमेशा नहीं भी होती। जो हमारा पहला स्टेप है इलम को हासिल करने का या किसी चीज का मतलब जानने का, बट ऑर्गू डेट द माइंड मस्ट, सबसे पहले माइंड के अंदर क्या है, हम बहस मुबहसा अपने साथ कर रहे होते हैं कि आया इस तरह हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर उस पर एक्टिवली हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दिस इंफॉर्मेशन इन सम वे।
फिर हम एक्टिवली जो मालूमात है उसको ट्रांसफर करते हैं एक तरीके से दूसरे तरीके में. बिफोर नॉलेज इज अटेन, इलम हासिल करने से पहले. सम नेटिविस्ट जो है वुड से सम नॉलेज इज इननेट. कुछ नेटिविस्ट जैसे हमने पहले नेटिविस्ट के बारे में पढ़ा, वो कहते हैं कि ये विरासत में मिला होती है कुछ सफात जो होती हैं, कि बहुत से जो आइडियाज होते हैं. स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? नो सर, नहीं हुई अब. वो प्लाटो हो गया, डिस्कार्ड वगैरह हो गया, इन चीजों इनका इस बात पे यकीन था कि जो बहुत से आइडियाज होते हैं वो नेचुरल पार्ट होते हैं हमारे माइंड का. अब उनका जवाब देने के लिए, एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए एम्पिरिसिस्ट जो हैं वो पैसिव माइंड पे ज्यादा फोकस करते हैं. वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें जो भी फिजिकल, जो भी हमारे माहौल में जो कुछ हो रहा होता है उस एक्सपीरियंस को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए. फिर उसका इमेज जो होता है हमारे माइंड में एज अ मेंटल इमेजेस, मेंटल इमेजेस के तौर पर से हम रिकॉर्ड करें मालूमात को, फिर रिकलेक्शन करें, दोबारा से दोहराएं, फिर एसोसिएशन पैदा करें कि ये चीज़ किस चीज़ से मिलती जुलती है. फिजिकल एक्सपीरियंस डेट अक्सर जो हमारे जिस्मानी पियर बात हैं वो पाए जाते हैं. consistently in some particular pattern will be represent in the pattern and will tend to be recalled in that pattern. वो इस खास किस्म की एक तरतीब में पाए जाते हैं और एक वो खास तरतीब को जाहिर कर रहे होते हैं और फिर हम उस खास तरतीब को अपने जहन में लेके आते हैं उसको दोहराने के लिए, उस पैटर्न को रिपीट करने के लिए. रैशनलिस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं एक्टिव माइंड पे. अब एक्टिव माइंड वाले ये कहते हैं कि इंटरेक्ट विद द डाटा फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि जो डाटा आपको एक्सपीरियंस से हासिल हुआ है उसके साथ आप इंटरेक्ट करें, फिर उसको तब्दील करें. वेयर एज अ पैसिव माइंड इज सीन एंड रिप्रेजेंट, जबकि पैसिव माइंड वाले ये कहते हैं कि जो आप देखते हैं ना फिजिकली रियलिटी जो है, जो कि रिप्रेजेंट हो रही है, जिसको आप देख रहे हैं उस पर फोकस करें. द एक्टिव माइंड इज सीन एज अ मैकेनिज्म, एक्टिव माइंड को आप मशीन की तरह कह रहे हैं, कि मशीन की तरह आप देखते हैं. बाय विच फिजिकल रियलिटी इज ऑर्गेनाइज, जिसको के अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल रियलिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं. जो पैसिव माइंड होता है उसमें फिजिकल रियलिटी वैसे ही रहती है. इस आवाज आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? आवाज तो आ रही है, स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी. जब नेट इशू बनते वो खुद ब खुद उड़ जाती है. अब आ रही है? यस सर. अब वो कह रहा है जो एक्टिव माइंड होता है इसका काम क्या है, ना सिर्फ फिजिकल रियलिटी को परसीव करना बल्कि उसको ऑर्गेनाइज भी करना, जबकि पैसिव माइंड के अंदर ऑर्गेनाइज का काम नहीं होता. और उसके अलावा एक्टिव माइंड का क्या काम है, कि उसको समझना और उसको वैल्यू देना भी. फॉर द रैशनलिस्ट, जो रैशनलिस्ट होते हैं उनके लिए द माइंड एड्स समथिंग टू आवर मेंटल एक्सपीरियंस. माइंड जो है वो कुछ ना कुछ चीज ऐड कर देता है जो उसने मेंटल एक्सपीरियंस किए होते हैं उसकी बेस पे. डेट इज नॉट फाउंड इन आवर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, जो चीजें हम यानी के अपने परसेप्चुअल एक्सपीरियंस में फाइंड आउट नहीं करते. सपोज डॉट गैप, डॉट 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 गैप, यानी कि डॉट और दो डॉट्स के दरमियान गैप आ रहे हैं और एक गोल सा दायरा मैंने बना दिया. जैसे शायद मैंने आप लोगों की क्लास में एक मरतबा आके बताया अभी था गेस्टाल्ट का जो प्रिंसिपल है, कि जो मिसिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारा जो माइंड होता है वो खुद ब खुद ऑर्गेनाइज करके उसको कंप्लीट पिक्चर बना देता है और हम चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं रेदर देन इट्स पार्ट. वो जो अब अगर हम पैसिव माइंड की बात करें तो वो सिर्फ वो ही रहेगा जो हमें नजर आ रहा है कि ये डॉट 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 लगे हुए हैं. लेकिन अगर एक्टिव माइंड की बात करें तो हमें ये नजर आएगा कि ये एक्चुअल में एक डॉट जो है वो सर्कल बना रहे हैं. समझ आ गई है सर? इसकी ना एक दफा समरी बता दें, ये दोनों ना मिक्सअप हो गए थोड़े. पैसिव माइंड क्या है, कि जी जो चीज़ जैसे आपको नजर आती है आपने उसी मालूमात को वैसे ही इस्तेमाल करना है. ठीक हो गया. एक्टिव माइंड क्या है, कि जो चीज़ आपको जैसी नज़र आती है अगर उसमें कुछ मिसिंग है तो आपका माइंड जो है वो खुद से ऐड करके
उसको मीनिंगफुल बनाएगा, उसको अंडरस्टूड बनाएगा और उसको ऑर्गेनाइज करेगा। अब समझ आ गई है इन शॉर्ट? जी सर आ गई। अब बाकी इसका जो है देख लीजिएगा, बाकी इतना कोई नीचे अहम नहीं है, जितना करवा दिए इतना भी कर लेंगे तो इट्स इनफ। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? जैसे कि आपको पता है कि जो डिफरेंस बिटवीन द रियली प्रेजेंट फिजिकली, कि जो एक चीज़ फिजिकली प्रेजेंट की जाती है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और एक जो आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो फर्क है उसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है? इस कि दोनों के दरमियान क्या क्या यानी कि फर्क आता है। जैसे कि इसमें कहा है सम एस्पेक्ट ऑफ नेवी रिलीजन सेइंग दैट व्हाट वी एक्सपीरियंस मेंटली इज एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट इज प्रेजेंट फिजिकली, कि जो हम मेंटली एक्सपीरियंस करते हैं तजर्बा करते हैं क्या वो वैसा ही होता है जैसे हम फिजिकली प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आपके दिल में कुछ चल रहा है आप उसको वैसा करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो बिल्कुल एज इट वैसा होता है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से दूसरे जो थे मैनी अदर्स हूएवर सेज दैट एट लीस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कि उसमें कुछ ना कुछ हम जरूर खो देते हैं, कुछ ना कुछ मिसिंग कर देते हैं जब हम फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं उनको। और गेंड इन द ट्रांसलेशन फ्रॉम फिजिकल टू फिनोमिनोलॉजिकल एक्सपीरियंस, और फिर हम फिजिकल से फिनोमिनोलॉजिकल एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं। आप जो वो कह रहा है फर्क आ रहा है, डिस्क्रिपेंसी आ रही है बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस, दो तरह के तजर्बात में। पहला क्या तजर्बा है कि ये कैन एग्जिस्ट, ये पाई जाती है इफ द सेंस रिसेप्टर्स कैन रिस्पोंड ओनली पार्शियली, अगर आपके जो सेंस रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ जुजवी तौर पर रद्द अमल को जाहिर करें to what is physically present, physically कि किस हद तक physically ये चीज़ को present करना चाहिए। For example, only certain sound और color, किसी खास color पे या किसी खास आवाज़ पे आपने response देना है, तो ये क्या है जज़्बी तौर पर response आता है। A discrepancy can also exist if information is lost, अगर फ़र्क तब भी आ सकता है जब मालूमात का कुछ हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाए या सही तरीके से समझ ना आया हो। एज इट बीइंग ट्रांसमिटेड फ्राम द सेंस रिसेप्टर्स, जो कि सेंस रिसेप्टर्स जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्रेन को। आल्सो द ब्रेन इटसेल्फ कैन ट्रांसफॉर्म सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो ब्रेन होता है वो खुद भी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है इसको ट्रांसफॉर्म करता है, इसको वो मैसेज में लेके आता है। दस क्रिएटिंग अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन फिजिकल एंड फिनोमिनल रियलिटी, इस तरह से फ़र्क आ जाता है फिजिकल और फिनोमिनल रियलिटी के दरमियान। अब अहम सवाल ये है इधर कि गिवन द फैक्ट, जो अगर हम हकीकत को मद्देनजर रखें, देयर इज़ अ फिजिकल वर्ल्ड एंड अ साइकोलॉजिकल वर्ल्ड, देयर इज़ अ कि इधर एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक साइकोलॉजिकल दुनिया है, एक फिजियोलॉजिकल दुनिया है एक साइकोलॉजिकल दुनिया है, हाउ आर टू रिलेटेड, कि ये किस तरीके से दोनों आपस में तल्लुक रखती हैं। A related question is given the fact, अब जो हकीकत को मद्देनजर रखते हुए हम ये सवाल का जवाब देते हैं। All we ever experience directly in our own sensations, जितने भी हमारे sensory organs हैं उनको हम इस्तेमाल करके तजर्बा करते हैं, जो भी हमें नजर आ रहा होता है किसी भी चीज़ के मुतलक जो हम direct observe कर सकते हैं अपनी five senses को इस्तेमाल करके, जैसे कि परसेप्शंस वगैरह जैसे हम परसीव कर रहे होते हैं। हाउ कैन वी कम टू नो एनीथिंग अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, कि किस तरीके से हम जो फिजिकली दुनिया है उसके बारे में हर चीज़ को जान लेते हैं। डेट प्रीज्यूमेटिवली गेव राइज टू देम, वी आर कॉन्फ्रेंटेड हेयर विद द प्रॉब्लम ऑफ रीइफिकेशन, अब रीइफिकेशन की जो एक मसला है उसके साथ हमें सामना करना पड़ता है, या जो वो एक सलाहियत होती है टेंडेंसी होती है कि हम इस चीज़ का मान लें यकीन कर लें कि बिकॉज समथिंग हैज अ नेम इट आल्सो हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि किसी चीज़ का एक अपना ज़ाती नाम है और वो अपनी आज़ादाना जगह रखता है
अगर हम इंसानों की हिस्ट्री को पढ़े तो इस सारे के अंदर जो है हमें सोल माइंड गॉड्स डेमन्स स्पिरिट्स और सेल्फ है बीन इमेजिन्ड, ये सब की सब अगर हम इमेजिन करते हैं कर चुके हैं एंड देन अज्यूम टू एग्जिस्ट और फिर फर्ज किया है कि ये खत्म हो गई, ऑफ कोर्स इज मोर रिसेंट टाइम जो मौजूदा दौर है इसमें प्रोसीजर्स हैव बीन अवेलेबल टू डिटरमाइन कि बहुत से ऐसे तरीकाकार मौजूद हैं जिसके जरिए हम इन चीज़ों की जांच पड़ताल कर सकते हैं वेदर इमेजिनेटेड एंटिटीज हैव रेफरेंस इन द एम्पिरिकल वर्ल्ड, क्या इसके पीछे कोई एम्पिरिकल दुनिया में कोई ना कोई रेफरेंस है जो हमारे इमेज हमारे जहन में बनते हैं। एज वी हैव सीन साइंटिफिक थ्योरी अटेम्प्ट टू कोरिलेट वर्ल्ड एंड सिंबल विद एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि बहुत सी साइंटिफिक थ्योरी में ये कोशिश की गई है कि वो तल्लुक को बयान कर सके अल्फाज के दरमियान सिंबल के दरमियान और जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं उनके दरमियान। इन द केस ऑफ रीइफिकेशन हाउएवर द रिलेशनशिप बिटवीन द इमेजिन्ड एंड द रियल इज सिंपली अज्यूम टू एग्जिस्ट, अके दोनों के दरमियान जो तल्लुक है एक चीज़ जो आप इमेजिन करते हो और एक जो हकीकी तौर पर पाई जाती है उनका तल्लुक को एग्जिस्ट किया। द टेंडेंसी टूवर्ड रीइफिकेशन इज पावरफुल, जो सलाहियत होती है रीइफिकेशन की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है लगातार होती है एंड वी विल इनकाउंटर इट ऑफन और अक्सर हमें इसका सामना करना पड़ जाता है। अभी तक जितना पढ़ा है ना इसको आप पढ़ लें, एक जो लास्ट वाला कंसेप्ट रह गया है यूनिवर्सलिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म और ये द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ, इसको आपने ओन सेल्फ प्रिपेयर करना है, अगर नहीं समझ आएगा तो वो पूछ लीजिएगा। चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म, ठीक हो गया, अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ।